अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निंदा कादिर। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट। तो जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे जो कि है चीज़ ऑमलेट। ऑमलेट तो सभी को बनाने आते हैं माशाल्लाह, मगर सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं जी। तो यहाँ हमने दो एग ले लिए हैं, ये कुछ मसाले हैं हमारे पास, जिसमें नमक है। नमक आपने हस्ब ज़रूरत लेना है, हस्ब ज़ायका लेना है। मैं एक अंडे में 3 पिंच यूज़ करती हूँ फॉर 1 एग, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं, प्याज है और कुटी लाल मिर्च है, थोड़ी पिसी काली मिर्च है, सफ़ेद तिल हैं और ऑरिगेनो है 1 चुटकी के करीब। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जब अंडे में डलता है ना, जो चीज़ ऑमलेट में होता है, तो बिल्कुल पिज़्ज़ा का आपको है ना टेस्ट आएगा इससे। तो चलें इसमें एग में ये सब चीज़ें मिलाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, अब इन्हें अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। हम देखें जरा, बहुत ही मज़े का ये ना ऑमलेट बन के रेडी होता है। सर्दियों में वैसे ही आप चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें, बच्चों को खिलाएं। बच्चे अंडे अगर शौक से नहीं खाते तो तरह तरह से उन्हें बना के दें। चले अब ऑयल भी हमारा गरम हो रहा है, बहुत तेज़ चूल्हा कर देंगे। अच्छा जी, अब ये डाल देते हैं हम ऑमलेट। अब इसे बिल्कुल हम लाइट उस पर पकाएंगे, फ्लेम पे ना, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे हम इसे। अच्छा अब ये ना इसे थोड़ा सा हम ढक देंगे। थोड़ा 3-4 मिनट बाद फिर हम देखते हैं इसे। जी तो ये अच्छे तरीके से पक रहा है, ऊपर से भी पक गया अच्छे तरीके से। अब हम इस पे चीज़ रख देंगे। जब ये पूरा पक जाए उसके बाद आपने रखनी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे पकने में, मगर आपने उसी पॉइंट पे है ना चीज़ रखनी है। एक मेरे पास मोज़रेला चीज़ है और एक मेरे पास चेडर चीज़ है। यहाँ मैं दोनों को इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल चूल्हे को स्लो कर दूँगी और इसको मेल्ट होने तक पकाऊँगी। ये देखेंगे कितना अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ जी। तो ये बहुत ही डिलीशियस हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, ऑमलेट पराठा और चाय। तो ये हमारा नाश्ता है, वीडियो मगर आपको शाम में मिलेगी। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के और ये दिखाती हूँ, बिल्कुल ये पिज़्ज़ा लगता है। देखें चीज़ जो है ना, ये
बहुत ही मज़े का ये ऑमलेट बन के रेडी होता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।